हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल करियर पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, और आपने शायद कभी पढ़े भी होंगे फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड्स, और ध्यान से देखें, आपका रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूले, प्लीज़ एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा यार। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वह इलेक्ट्रॉन संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। तो फ्रेंड 2882 फ्रेंड आप जानते होंगे, सोडियम कैल्शियम आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, हुआ है फ्रेंड पोटेशियम, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, वो फ्रेंड लिथियम एवं ऑस्मियम का है फ्रेंड। लिथियम और ऑस्मियम फ्रेंड से सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है क्रमशः। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सर्वाधिक कठोर तत्व है फ्रेंड, वो है हीरा, जिसे हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सोना लोहा प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरतम धातु है, वो है फ्रेंड प्लेटिनम। सोना लोहा प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से सबसे कठोर धातु है, तो फ्रेंड वो है ये हमारा प्लेटिनम, सोना भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, टंगस्टन भी नहीं है, सबसे कठोर धातु है हमारा प्लेटिनम फ्रेंड। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड कि सबसे कठोरतम धातु कौन है, तो फ्रेंड लड़के ऐसे गलत सलाह लिख देते हैं फ्रेंड, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेटिनम है फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखिएगा, प्लेटिनम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कार्बोरंडम टंगस्टम टंगस्टन कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है फ्रेंड, वह है नाइक्रोम, बहुत कठोर व बहुत तन्य है फ्रेंड। तन्य तन्य फ्रेंड जिसको हम खींच खींच के, तन्य का फ्रेंड एक होता है तन्य, एक होता है अघात वर्धनीय, तो फ्रेंड तन्य उसे कहते हैं, जैसे तार को, जैसे फ्रेंड जिसे कूट कूट कर लंबा बनाया जा सके, जैसे फ्रेंड हमारा हो गया तार, उसे हम खींच खींच कर, जैसे उसकी कुटाई करके उस फ्रेंड उसे हम खींच खींच कर लंबा बना सकते हैं, वैसे नाइक्रोमिया फ्रेंड उसे हम लंबा बना सकते हैं खींच खींच कर। तो फ्रेंड तन्य और अघात वर्धन यह दो धातुएं फ्रेंड, इसने इन्हें दो समूह में बांटा गया, तन्य और अघात, तन्यता और अघात वर्धनीय। तो फ्रेंड सबसे बहुत कठोर और बहुत तन्य है फ्रेंड, वो है नाइक्रोम। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट, आप फ्रेंड्स एक बार सर्च मार के देख लीजिएगा, तन्य और अघात वर्धनीय फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, तन्य किसे कहते हैं और अघात वर्धनीय किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो डिफरेंट पूछा जाता है फ्रेंड। अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता फ्रेंड्स, अगर आप 12th 11th में हैं तो फ्रेंड जरूर पूछा जाता है फ्रेंड, तन्य और अघात वर्धनीय। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो फ्रेंड वो है यूरेनियम, सबसे भारी प्राकृतिक फ्रेंड, प्राकृतिक पूछा गया, ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वो है फ्रेंड हमारा यूरेनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, तांबा यूरेनियम एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है, तो फ्रेंड सबसे भारी धातु भी है हमारा यूरेनियम। तो फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा, सबसे भारी धातु और प्राकृतिक तत्व, तो फ्रेंड डिफरेंट है हमारा तत्व और धातु में, तो फ्रेंड आप ये ध्यान रखिएगा, बाकी भारी यहाँ भी भारी है, तो फ्रेंड तत्व और भारी धातु, तो फ्रेंड वो यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मोती की रासायनिक संरचना है, तो फ्रेंड वो कैल्शियम कार्बोनेट, मोती की रासायनिक संरचना है फ्रेंड वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो फ्रेंड वो है पारा, वाष्प तथा आर्गन। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार मैंने इंडियन आर्मी का रिटर्न दिया था फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड केमिस्ट्री से, कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु है फ्रेंड पारा, वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एल्यूमिनियम सोना क्रेमियम तथा जस्ता में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो फ्रेंड स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना फ्रेंड, सोना गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सोने को घोला जा सकता है, तो फ्रेंड वो है अम्लराज में, तो फ्रेंड सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में फ्रेंड, शुद्ध सोना होता है, तो फ्रेंड शुद्ध सोना होता है फ्रेंड 24 कैरेट का। फ्रेंड आपने देखा होगा कि कई बार
जो सोना रोते हैं लिखा, उन्होंने लिखा होता है कि 24 करेट का सोना मिलता है हमारे यहाँ पर। फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, 24 कैरेट का सोना कोई भी नहीं देता, चाहे वो बड़े से बड़ा सोनार ही क्यों ना हो। फ्रेंड उसमें चांदी की आभूषण बनाने में चांदी की मिलावट जरूर होती है। फ्रेंड 24 कैरेट का शुद्ध सोना कोई भी सोनार नहीं बेचता है। फ्रेंड उसमें चांदी का मिश्रण जरूर किया जाता है। फ्रेंड्स तब जाके वह आभूषण में बदला जाता है। फ्रेंड तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः, तो फ्रेंड वह मैग्नीशियम सिलिकेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, तो वह है फ्रेंड कैल्शियम कार्बोनेट, आप जानते होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में है, तो फ्रेंड कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो फ्रेंड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो फ्रेंड Cs4 1/2 H2O। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रेंड्स तो आप ध्यान में रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है, तो फ्रेंड वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रेंड मूर्तियाँ चौक ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से बनते हैं। फ्रेंड मोनोजाइट इसका है फ्रेंड, वह है थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड माइका है, तो फ्रेंड माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। फ्रेंड ऊष्मा, फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। फ्रेंड यानी कि ऊष्मा ऊष्मा का उस पर प्रभाव पड़ता है और विद्युत का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा और इस्पात खिलौने ग्लास और कुम्हारी तथा बैदुत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वह है फ्रेंड बैदुत। तो फ्रेंड इतिहास की वीडियो, फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक करना ना भूले, लाइक का बटन जरूर दबाए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।